तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC में इत्तफाक राय से फैसला हो गया, बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। ज़राए के मुताबिक NCOC इजलास में सूबों की सिफारिशात पर बहस की गई। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में मौसमी सरमा की छुट्टियों पर सिफारिशात तैयार की गईं। छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन मुतल्लिका महकमे जारी करेंगे। आलूदगी ने पीछा ना छोड़ा, ऊपर से धुंध ने निज़ाम ज़िंदगी सुस्त कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके रात और सुबह के वक्त शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज़ और कौमी शराहें धुंध में गुम हो गईं। मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे, ट्रैफिक मुतासर। धुंध के बायस लाहौर की अंदरूनी सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बरकरार। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर सुबह के वक्त फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक 2 परवाजें मनसूख, 11 के औकात तब्दील करना पड़े। शारजा से आने वाली परवाज PA 413, रियाद से आने वाली XY 317 मनसूख, मस्कत, कुवैत, इस्तंबुल से आने वाली परवाजें ताखिर का शिकार हुईं। कराची से आने वाली परवाज PK 302 के मुसाफिर भी 1 घंटा ताखिर से मंजिल पर पहुंचे। परवाजों की ताखिर और मनसूखी से मुसाफरों और अजीज़ो अकारिब को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब भर में आलूदगी और स्मॉग भी कम होने का नाम नहीं ले रही। लाहौर दुनिया में मुसलसल पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दूसरे, ढाका फिजाई आलूदगी में आज तीसरे नंबर पर है। लाहौर में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स शिमला पहाड़ी के इलाके में 760 रिकॉर्ड। माल रोड 633, गुलबर्ग 629, मॉडल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, रावलपिंडी, रहीम यार खान की फिजाओं में भी आलूदगी बरकरार। कराची आज 146 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 21वें नंबर पर है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मरी, कागान, नारान, बाबूसर की बुलंद चोटियां बर्फ से ढक गईं। मौसमी सरमा की बर्फबारी से वादी सवात का हुसन मजीद दुबाला। कालाम, मालमजब्बा, मोहडंड और गबराल में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। 3 इंच से 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मरी, गिलगात, वादी लिपा, बालाकोट, नारान, शुगरान में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। शदीद ठंड के बायस सड़कों पर पानी जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, बालाई इलाकों में अबर आलूद रहने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और मलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। अवाम को पेट्रोल पर रिलीफ मिलने का इम्कान, कीमतों में कमी मुतवक्के। ओग्रा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दे दी। कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत में 10% तक कमी आई। पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं बनता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अहम इजलास आज बुला लिया। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सियालकोट वाक़े पर भी मुशावरती इजलास आज ही होगा। सानह सियालकोट जैसे वाक़ात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत से गवादर के अवाम की आवाज़ सुनने का मुतालिबा, कहते हैं गवादर में जारी एहतजाज मुल्क में नए बाप की नुमाइंदगी करता है। ये लोगों की मलकियत और क़यादत में बुनियादी हकूक की जद्दोजहद में एक अहम वाक़िया है। हुकूमत अवाम की आवाज़ सुने और उनके मसाइल को फौरी हल करे। मुल्क में कोरोना मजीद 4 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 370 केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.82% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 706 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 8 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। दूसरी तरफ इंटरबैंक में रुपए की कदर में कमी, अमरीकी डॉलर 178 रुपए से तजावुज कर गया। सिंध हाई कोर्ट में फुटपाथ, पब्लिक पार्क्स, सड़कों से तजावुजात के खात्मे से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत अदालत ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट आंखों का धोखा है। महकमे की जानिब से सड़कों, फुटपाथ, सीवरेज लाइन्स और पब्लिक पार्क से तजावुजात के खात्मे के कोई इकदाम नहीं किए गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर शर्की को तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। यंग डॉक्टर्स ने हठधर्मी ना छोड़ी, इंतजामिया भी बेहिस, मरीज रुल गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 19वें रोज भी तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। डॉक्टरों के एहतजाज के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। महकमे जंगलात पंजाब ने मानसून शजरकारी मुहिम का 93% हदफ हासिल कर लिया। 1 जुलाई से अब तक सूबे के 36 अजला में 4,20,00,000 से जायद पौधे लगाए जा चुके हैं। वजीर जंगलात सिप्तैन खान कहते हैं कम वसाइल के बावजूद हदफ की तकमील की जानेब बढ़ रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान के लिए तमाम सलाहियतें बरोएकार लाई जा रही हैं। वजीर आजम के विजन के मुताबिक ग्रीन इनकलाब लाने के लिए कोशां हैं। जुनेद सफदर की बारात धूमधाम से पहुंची। चकसजाद इस्लामाबाद के फार्म हाउस में आली शान तकरीब सजी। बारात रवानगी से पहले आतिशबाजी का भी मुजाहरा। मरियम नवाज तवज्जो का मरकज बनी रहीं। शहबाज शरीफ की शिरकत, मरियम को मुबारकबाद दी। 1,000 से ज्यादा मेहमानों को मदु किया गया। बारातियों के लिए शानदार दावत का भी अहतमाम किया गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज वायरल। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के साथ। इमदादी सामान की मजीद 7 ट्रक तुर्खम बॉर्डर से अफगानिस्तान भिजवा दिए। 45 टन अशिया खुरनोश, 8 टन चावल, गर्म कपड़े और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की तरफ से अब तक 4 जहाज और 115 ट्रक इमदादी सामान अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसों में मुसलसल इजाफा। बरतानिया में वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इकदाम पर पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद खसूसी बिल मंजूर। मास्क लाजमी पहनने के इकदाम के हक में 444 जबकि मुखालिफत में 41 वोट पड़े। बिल के तहत सिनेमा थिएटर्स और म्यूजियम में भी मास्क पहनना लाजमी करार। नाइट क्लब और बाज दीगर मकाम पर दाखिले के लिए वैक्सीनेशन का सबूत या कोरोना की मनफी रिपोर्ट दिखाना भी लाजमी होगा। खलीजी सरबराह इजलास रहनुमा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। मुश्तरका तआवुन के मजबूत बनाने, चैलेंजेस से निपटने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के अमूर पर बहस होगी। आगाज़ अहम खबर से करेंगे। एनसीओसी का तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एनसीओसी इजलास में सूबों की सिफारिशात पर बहस की गई। बैनुस्सूबाई वज़ीरे तालीम इजलास में सिफारिशात ली गई हैं। एनसीओसी इजलास में सूबों की सिफारिशात पर बहस की गई है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया। बैनुस्सूबाई वज़ीरे तालीम इजलास में सिफारिशात ली गई हैं। तफसीला जानते हैं मजोन के हमारे नुमाइंदे ज़ैगम नकवी ने। ज़ैगम नकवी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की तातीलात तालीमी इदारों में जनवरी के आखिर में की जाएंगी। इस हवाले से एनसीओसी में इत्तेफाक की राय से फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज बैनुस्सूबाई वज़ीरे तालीम काफ़नत की सिफारिशात थी, तमाम सूबों की तजावीज़ थी, उन पर बहस की गई और उसमें जो एक एनसीओसी के हुकाम थे उनकी जानब से ये पॉइंट था कि वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको मुकम्मल करने के लिए तालीमी इदारे खोले रहने चाहिए, क्योंकि 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त जारी है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको स्कूलों में ही वैक्सीनेशन दी जा रही है। तो उसमें ये सिफारिश की गई कि जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, जो बर्फबारी वाले इलाका जाते हैं, उनमें स्कूल बंद कर दिए जाए और जो उनमें छुट्टियां
जारी रखी जाए जो अनाउंस की गई हैं, लेकिन जो बाकी तालीमी इदारे हैं उनमें जो जनवरी के आखिर में ये जो छुट्टियां हैं वो की जाएं, और इस हवाले से बाज़ाब्ता जो है वो मुरासला भी जारी किया जाएगा जो आज ही मुमकिन है कि जारी कर दिया जाए। जी ठीक है, मुरासला जारी कर दिया जाएगा। ज़ैगम नकवी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके धुंध का राज, मामूलात जिंदगी मुतासर, मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंध में गुम, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, मामूलात जिंदगी मुतासर, मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंध में गुम, जिसके बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ज़ाई आलूदगी और धुंध के बाद सर्दी में भी शिद्दत आ गई। धुंध की वजह से मोटरवेज कई मकामात पर बंद रहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मॉग आज भी लाहौर में है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी में आज दिल्ली दूसरे, ढाका तीसरे, काबुल चौथे और कराची 21वें नंबर पर है। पंजाब में आज गहरी धुंध छाई है। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, पाकपतन, बहावल नगर और आरिफाला समेत कई मकामात पर हद निगाह इंतहाई कम रही। बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर से रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात शदीद मुतासर हो गए। ज़ियारत में दर्जा हरारत -8, कल्लात में -6 और कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बालाई पंजाब में मतला अब्र आलूद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बार का ताहियात नहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार का ताहियात नहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट बार आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त भी दायर करेगी। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि बार के तमाम ओहदेदारों से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ऐसा कहा गया, किसी भी शख्स को ताहियात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। एहसन भवन की जानिब से ऐसा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। एहसन भवन का यह मौकिफ सामने आया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का गवादर के अवाम के मसाइल हल करने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा, हुकूमत अवाम के मसाइल सुनकर हल करे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का गवादर के अवाम के मसाइल हल करने का मुतालबा शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल सुनकर हल करे। शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि गवादर में जारी एहतजाज मुल्क में नए बाप की नुमाइंदगी करता है। ये लोगों की मलकियत और क़यादत में बुनियादी हकूक़ की जदोजहद का एक अहम वाक़या है। अपोजिशन लीडर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का गवादर के अवाम के मसाइल हल करने का मुतालबा। पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, ब्लैक में फरोख जारी। सूबे के बेशतर शहरों में खाद गायब, किसान परेशान है। खाद हुकूमती नर्ख 1768 के बजाय 2400 रुपये में फरोख्त की जा रही है। पंजाब के बेशतर शहरों में खाद गायब है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट करें कि पंजाब में खाद के बहरान के बाद इसकी ब्लैक में फरोख जारी है। बेशतर शहरों में खाद दस्तयाब नहीं, जिससे किसान परेशान है। इसी पर बात करते हैं, साहिवाल में हमारे नुमाइंदे मासा मौजूद है रिजवान ताहिर। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह साहिवाल में भी जो है यूरिया खाद के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। यूरिया खाद की जो है वो काश्तकारों को लंबी लंबी लाइनें लगाकर यूरिया खाद जो है वो फराहम की जा रही है। एक शनाख्ती कार्ड पर एक बोरी दी जा रही है। इस वक्त गंदम और आलू की फसल को यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है। इस हवाले से हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद है, उससे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे मुल्क में ये खाद जो मिल रही है बड़ी किल्लत से हमें मिल रही है, बड़ी दुश्वारी आ रही है, जिसकी वजह से हमारी फसल, आलू की फसल और जो गंदम की फसल है उसकी पैदावार में बहुत कमी आ सकती है, जो हमारी नस्ल इंसानी के लिए एक ख़तरा, एक नुकसान का बायस बन सकती है। हम शनाख्ती कार्ड पर एक बोरी ले रहे हैं, हमें 10-10 बोरी की ज़रूरत है। काश्तकार का कहना था कि लाइनें लगाकर जो है वो हमें एक बोरी जो है वो एक शनाख्ती कार्ड पर दी जा रही है, और गंदम की फसल और आलू की फसल को इस वक्त जो है वो यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है, और अगर हमें ये टाइम से ना मिली और हमारी ज़रूरत के मुताबिक ना मिली तो एवरेज जो है वो इंतहाई जो है वो कम आएगी। जी बहुत शुक्रिया रिजवान ताहिर अपडेट करने के लिए। पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, ब्लैक में फरोख्त जारी है। सूबे के बेशतर शहरों में खाद गायब है, किसान परेशान है। इसी बारे में बात करेंगे जहानिया में मौजूद अपने नुमाइंदे शान शेख से। यहाँ क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, जहानिया में भी खाद का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है यहाँ पर। मैं बताता चलूँ कि जब गंदम की बिजाई का मौसम था तो डीएपी खाद जो है वो शार्ट थी, मार्केट में दस्तयाब नहीं थी और किसान ने जो है डीएपी के बगैर गंदम काश्त की है। इसके बाद जब पहला पानी लगाने का मौसम था उस वक्त यूरिया की ज़रूरत थी और किसान ने पहले पानी के वक्त यूरिया खाद नहीं डाली क्योंकि मार्केट में दस्तयाब नहीं है। और अब दूसरा पानी लगाने का मौसम है तो अब भी किसान जो है वो यूरिया खाद के लिए दर बदर है। इस हवाले से महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है और वो किसान को खाद मुहैया करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इस हवाले से हमारी जब असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई तो असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान तारड़ का कहना था कि खाद को दस्तयाब कराने के लिए मार्केट में इकदाम किए जा रहे हैं और जल्द जो है खाद किसानों तक पहुँचाई जाएगी। जी ठीक है शान शेख, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 23 से 30 दिसंबर तक बारिश के इम्कान हैं। पंजाब में धुंध का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दिसंबर के आखिर तक लाहौर का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। अपने नुमाइंदे शबीर हुसैन से जानते हैं कि महकमा मौसमियात के माहरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहा गया उनकी जानिब से? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमे मौसमियात पाकिस्तान में और हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात पाकिस्तान के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब। हम उनसे जानेंगे मौसम की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पे जो दर्जे हरारत है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे धुंध की सूरत हाल के हवाले से हम उनसे जानेंगे। तो हम पूछते हैं डॉक्टर ज़हीर साहब से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद रोज़ से मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द है, ख़ास तौर पर मुल्क के मैदानी इलाकों में जो है वो सर्दी की शिदत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर मुराद से तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये नहीं है कि खसारे जो पुरानी थे वो आपने ख़त्म कर दिए, लेकिन आपने 15 बिलियन का इंक्रीज दे दिया। वो कैसे मुमकिन हुआ कि आपने मोबाइल ऐप लेके आए, आपने लोगों को की शिकायत दूर करना शुरू कर दिए टेक्नोलॉजी की तरफ और अब डिजिटाइजेशन की तरफ आप चले गए। तो यही सलूशन है और यही आगे जाने का रास्ता है। अगर आपने इवन कि आपने ऑफिसर्स की, अपने स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनानी है, आपने लोगों को घर की दहलीज पे सहूलत देनी है, आपने अपना टैक्स नेट बढ़ाना है, जिस तरह एफबीआर को अभी आप एक मंसूबा प्राइम मिनिस्टर साहब लेके आए कि एफबीआर को भी हमें डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जितने भी आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम करते जाएंगे, करप्शन कम होती जाएगी, मुकाबले की फिजा भी पैदा होगी और लोगों को शुरुआत होंगे। और इसमें मैं फिर उसी तरफ लेके आता हूँ कि आईटी मिनिस्ट्री का इसमें बड़ा किरदार है। मैं एक दफ़ा फिर सैयद अमीनुल हक साहब, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिस लगन से आप भी काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन को अमली जामा पहना रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर हम इसी तरह जो कनेक्टिविटी के हमने 25-28 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, अगर ये इंशाल्लाह हम टाइम लाइन जो दिए गए हैं इन्हीं टाइम्स में हम मुकम्मल कर गए, तो आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त अगर हमारे आईटी एक्सपोर्ट इतना बढ़ रहा है और अभी तो लोगों को वो सहूलियत आपने प्रोवाइड की नहीं है, अगर ये सबको पूरे पाकिस्तान में आप सबको ये सहूलतें प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो हमारे नौजवान कहाँ तक जाएंगे। अब स्टार्टअप के मैदान में आप देखें कि जो भी पाकिस्तानी है वो कमाल कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं और वो किसी भी मैदान में अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। तो आप इसी तरह सहूलियात देते जाए, पाकिस्तान के नौजवान आपको मायूस नहीं करेंगे। और मुझे बहुत खुशी, एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, ये जो गुट की शक्कर और कश्मोर, क्योंकि अभी मैं सिन होके आया था, अभी मैं मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, हमारा पाकिस्तान है, मौका तो नहीं है लेकिन बात इसलिए करता हूँ कि दिल से उनकी तकलीफ महसूस की है कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है और